हेलो एवरीवन वेलकम टू एसीपीपीएससी मेरा नाम वंदना सिंह है तो आप में से ज़्यादा लोग ज़्यादा लोग छोड़िए हंड्रेड परसेंट लोग जो हैं इन प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे आपको लग रहा होगा कि आप सब कुछ भूल रहे हो आपको कुछ याद नहीं रह रहा आपने जितना पढ़ा है आपको कुछ याद नहीं है सब लोग ये सोच रहे होंगे कि यार सिलेबस कम्प्लीट नहीं हुआ रिविजन बहुत पेंडिंग है ये सारी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे तो डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ जस्ट रिलैक्स ये कोई प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम नहीं है दीज आर नॉट दी प्रॉब्लम्स ये जो है सबके साथ होता है ये सबको लगता है कि कुछ भी याद नहीं रह रहा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो सिलेबस तो किसी का कंप्लीट नहीं होता है सिलेबस कंप्लीट हो ही नहीं सकता क्योंकि आ, आपको एक बात बताऊं यूपीपीएससी का जो है या सिविल सर्विसेज का जो है वो सिलेबस कोई है ही नहीं इट्स जस्ट अ आउटलाइन कि एक आउटलाइन दे दी है पुराने पैटर्न से जो है उसके हिसाब से पेपर निकाल लिया जाता है कि इस तरह का पेपर आएगा वो आएगा इट्स जस्ट अ आउटलाइन जो आपके पंद्रह बीस क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो कहीं से भी आ सकते हैं और इट जस्ट मतलब सिलेबस आपका कभी कंप्लीट नहीं हो सकता रिवीजन इतना रिवीजन है कहाँ तक उसको कंप्लीट करोगे आपको क्या करना है मैक्सिमम अपना आउटपुट देना है मैक्सिमम रिवाइज करना है तो आपको जो है स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है ये सारी चीज़ें जो है इन सारी चीज़ों से डरो मत ये ये सोचो कि दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन ये आपकी जो है प्रिपरेशन का पार्ट है तो आप जो है कुछ भी नहीं भूल रहे हो आपने जितना सिलेबस करा है इट्स मोर देन सफिशेंट आपका कोई रिविजन पेंडिंग नहीं है तेईस अक्टूबर की शाम तक जितना आपने पढ़ लिया वो ही सफ़िशियंट है आपके लिए वो ही सफ़िशियंट है इसके बस बता कॉन्फिडेंस अगर लियाओगे ना तो पंद्रह बीस क्वेश्चन ना ऐसी ही सही हो जाएंगे कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस में और अगर आपको ये लगता है कि नहीं आ, बस ऐसे ही मैम बोल रही हैं नहीं सच्चे में अगर आप कॉन्फिडेंस लियाओगे पंद्रह बीस क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा ही सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि हमेशा जो माइंड है वो आपका पीस में रहेगा वो ज़्यादा डायमेंशन में सोचना शुरू करेगा क्योंकि अगर आप डरे हो रहोगे तो हर चीज़ पे डाउट करने लगोगे जो सही चीज़ है उसको भी डाउट करने लगोगे अगर डरे हुए रहोगे ना तो आज एग्जाम वाले दिन को, कोई पूछेगा कि आज डेट क्या है तो ट्वेंटी अक्टूबर जो बोलने में भी ना आप द, द, दस बार सोचोगे कि यार आज ट्वेंटी अक्टूबर ही है ट्वेंटी अक्टूबर ही है तो इसको भी दस बार सोचोगे क्योंकि डरे हुए रहोगे तो चीजें जो है गलत होने के जो है चांसेस हमेशा ज्यादा हो जाते हैं तो रिलैक्स रहो ये सारी चीजें जो है ये कोई डरने वाली बात नहीं है तो देखिए बेसिकली क्या सीक्रेट ऑफ प्रिलम्स क्या है कि प्रिलम्स इज मोर आ रिकॉग्निशन गेम मतलब रिकॉग्नाइज करना है आपको वहां आपको ऑप्शनल गिवन होंगे और आपको जो है बस रिकॉग्नाइज करना है उन ऑप्शनल को रिकॉग्नाइज करना है एलिमिनेट करना है ऑप्शन आपको गिवन होंगे उनको रिकॉग्नाइज करना है रिकॉल करना है एलिमिनेट करना है कोई बैठ के वहाँ जो है मेन्स की तरह जो है बिल्कुल स्क्रैच से आंसर नहीं लिखना है वहाँ ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है बस अपना अगर दिमाग खुला रखोगे सोचने की आ, शक्ति को अपनी नहीं दबाओगे तो वो चीज़ें जो हैं वो आराम से हो जाएंगी अब देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं क्वेश्चन है समझिए कि आपने ये है ये कभी पढ़ाई नहीं आप ये समझिए कि आपको इसकी कोई नॉलेज ही नहीं है विच बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अ लॉ मेंबर वाज एडेड टू द गवर्नर जनरल काउंसिल सपोज ये क्वेश्चन है कि कौन से एक्ट से जो है लॉ मेंबर जो है गवर्नर जनरल काउंसिल में आया था तो इसके ऑप्शंस यहाँ गिवन नहीं है ऑप्शंस गिवन नहीं है तो इट्स बिट डिफिकल्ट मतलब कि क्या एक्ट होगा मतलब अगर आपको आंसर नहीं पता है तो इट्स बिट डिफिकल्ट टू राइट कि यहां क्या एक्ट होगा अब देखिए इसी को जो है ऑप्शन के साथ देखते हैं बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अ लॉ मेंबर टू गवर्नर जनरल काउंसिल अब ये क्वेश्चन हो गया ये कि कौन सा एक्ट है यहां आपको चार एक्ट गिवन है तो इससे तो ये पता चल गया कि 1858 से आगे के जितने एक्ट हैं 1935, 1947 वो नहीं है इनमें से कोई एक्ट है इनमें से कोई एक्ट है ना अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ मेंबर वाज एडेड अब अगर आपको थोड़ा सा भी पता है कि फर्स्ट लॉ मेंबर कौन था फर्स्ट लॉ मेंबर कौन था तो फर्स्ट लॉ मेंबर कौन था लॉर्ड मेकाले लॉर्ड मेकाले वॉज फर्स्ट लॉ मेंबर लॉर्ड मेकाले से कुछ याद आ रहा है कुछ एजुकेशन इस टाइप से कुछ याद आ रहा है लॉर्ड मेकाले से थोड़ा ही याद रखना है ये नहीं कि बिल्कुल ही सब ज्यादा याद आ रहा है थोड़ा याद आ रहा है बहुत काफ़ी है एक ही चीज लॉर्ड मेकाले से दो चीज याद आई एजुकेशन रिफॉर्म और उसका ईयर याद आया एटीन याद आ गया ना लॉर्ड मकाले से दो चीजें आएगा एजुकेशन एटीन थर्टी फाइव अब यहाँ देखो कोई एक्ट आया उससे लॉ हुआ जब लॉ होगा उसके बाद ही तो वो कुछ लॉ से रिलेटेड कुछ करेगा देखो चार्टर एक्ट थर्टी फाइव बाद में आया तो इससे पहले कौन सा एक्ट होगा चार्टर एक्ट एटीन थर्टी थ्री तो लॉ मेंबर वॉज एडेड टू गवर्नर जनरल काउंसिल बाय द चार्टर एक्ट एटीन थर्टी थ्री हो गया ना सॉल्व रिकॉल करना है बस रिकॉल करना है ऑप्शन को रिकॉग्नाइज करना है और हो जाएगा ये नहीं है कि आपको जो है बिना ऑप्शन के जो है चीज़ें दी दी जाएंगी जस्ट यू हैव टू रिकॉल बस अपनी थोड़ी मेमोरी को खंगालना है तो बताए ना क्या करते हैं जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम जब दिमाग में जो है हमारे ऑप्शन नहीं रहते हैं दिमाग जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं जैसे आप जैसे अभी रिवाइज uh, कर रहे हो तो आपने सारे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़े तो आप जो है आ, आ, ये चीज़ें ध्यान द्या, रखने की कोशिश करोगे कि जो ट्रेड है वो कैंड कब एंड हुआ जो बाई कैमरल है वो कब आया जो आ, सेपरेट इलेक्ट्रोलेट है वो कब आया तो आप ना जो एक एक चीज़ है उसको ऐसे रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो उसमें क्या होता है आपको लगता है कि मैं ये भी भूल रहा हूँ वो भी भूल रहा हूँ लेकिन जब आपके सामने जब ऑप्शंस आते हैं जब आपके सामने ऑप्शंस आते हैं तो एग्जाम में आप उसको रिकग्नाइज कर लेते हो तभी बोलते हैं कि जो है टेस्ट uh, सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए इससे क्या होता है कि रिवाइज तो होता ही है दूसरा ये है आप में जो है ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आप जो है uh, जो एग्जाम का जो इन्वायरमेंट है उससे बार बार रूबरू होते रहते हैं कि ये ऑप्शन आएगा इसकी ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया जाएगा इसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा कैसे रिकॉल किया जाएगा तो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे एग्ज़ाम में करोगे या फिर आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे होगे या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो ये सारी चीज़ें आपकी रिकॉल हो जाएंगी अगर आपने एक या दो बार भी कोई चीज़ पढ़ी है ना वो डेफिनेटली रिकॉल होने वाली है कुछ ऐसेज में होता है कि आप जो है हम हड़बड़ी में या उसमें गलत ऑप्शन टेक कर देते हैं अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने कोई भी चीज़ एक या दो बार पढ़ी है वो डेफिनेटली वो रिकॉल होने वाली है एग्ज़ाम में तो डरने की कोई बात नहीं है आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे से रिकॉल कर लोगे चीज़ें बिल्कुल आराम से रिकॉल कर लोगे तो तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप भूल रहे हो अगर आपने एक या दो बार जो है चीज़ें पढ़ी हैं आप उसको आराम से रिकॉल कर लोगे अब नेक्स्ट बात आती है अब जो है सबसे जरूरी चीज क्या है आपको क्या करना चाहिए मस्ट डू नाउ मस्ट डू नाउ में जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है आपकी वो है करंट अफेयर रिविजन करंट अफेयर रिविजन इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी कम से कम दो बार टू टाइम्स इसको कंप्लीट करो टू टाइम्स इसको कंप्लीट करो रिवीजन को उसके बाद किसी और चीज को स्विच करो टू टाइम्स इसको कम्प्लीट करो मतलब बिल्कुल एकदम इसको कंप्लीट करना है देन यू हैव टू स्विच ऑन अदर थिंग्स सबसे ज़्यादा हाइ हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है अपने करंट अफेयर रिवीजन को दीजिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी तो आपकी जो प्रायोरिटी कैसे होनी चाहिए सबसे पहले करंट अफेयर टू टाइम्स इसको पढ़ो देन जो अपने आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करो आपने नोट्स बनाए या जो भी करा है नोट्स नहीं बनाया तो एक बार मार्क बूस्टर देख सकते हो मार्क बूस्टर देख सकते हो यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे इमेजेस इसको देख सकते हो लास्ट टाइम के लिए मार्क बूस्टर यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे इमेजेस है फिर देन आपकी जो थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए टेस्टरीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका रिवीजन फर्स्ट ये दोनों चीजें करो देन इसकी थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए करंट अफेयर इज योर हाईएस्ट प्रायोरिटी तो इसको रिवाइज करो मस्ट डू है ये अभी और सब कुछ रिकॉल कर लोगे कुछ नहीं भूल रहे हो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है पैनिक होने से क्या है जो पाँच दस क्वेश्चन है जबरदस्ती के गलत करियाओगे एग्जाम में हम इतना लोड नहीं ले सकते हैं कि जो हमें आता हो हम उसको गलत करिया आए ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते कि जो हमें आता है हम उसको गलत करिया आए देखो तो जो आता है जो पढ़ा है उसको गल... कम से कम गलत करने की कोशिश करिए वो बात अलग है कि कोई चीज़ नहीं पढ़ी है आ, वो बात अलग है लेकिन जो पढ़ा है उसको कम से कम गलत करने की कोशिश करिए वो तभी होगा एंजाइटी लो रक, लो रखोगे कॉन्फिडेंस हाई गेम तो यही खेल के जाएंगे जिन लोगों की एन्जाइटी जो कम होगी कॉन्फिडेंस हाई होगा गेम वही खेल के जाएंगे दस से पंद्रह क्वेश्चन की एज मिलती है आपको हमेशा इन चीजों से जितने रिलैक्स रहोगे जितने चिल रहोगे उतना एग्ज़ाम अच्छा होगा एग्जाम को बिल्कुल ही एकदम ऐसे बिल्कुल ऐसे मतलब कि जो कि मतलब पता नहीं क्या ही होने वाला है जस्ट रिलैक्स होकर एग्जाम दो बहुत मेहनत करी है बहुत पढ़ाई करी है तो एग्ज़ाम भी अच्छा ही होगा अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो अपने तरफ से बेस्ट दो बाकी जो है देखा जाएगा तो कुछ नहीं भूल रहे हो आप एकदम मस्त है सिलेबस कोई कंप्लीट नहीं हुआ है कोई बात नहीं रिविज़न पेंडिंग है कोई बात नहीं जितना करा है वो बेस्ट है जितना करा है वो बेस्ट है और ये छह दिन को अच्छे से यूटिलाइज करो इन छह दिन मस्ती करने की जरूरत नहीं, कि नहीं हो? मैं तो है कि नहीं मैम ने तो ये बोला है कि जितना करा है वो बेस्ट है मतलब अभी इन छह दिन है अभी इनमें और करा जा सकता है तो ये मत सोचो तो कि ये छूट गया वो छूट गया छह दिन में जितना हो पा रहा है अपना जो है बेस्ट देने की कोशिश करो सबका छूटता है सबका सिलेबस छूटता है सबका रिविजन छूटता है सबको डर लगता है सबको लगता है कि मैं जो है मुझे कुछ याद नहीं रह रहा तो ये सबके साथ होता है आप एक अनोखे नहीं हो तो ये सबके साथ हो रहा है आप एक अनोखे नहीं हो नीचे मुझ अगर कोई भी अगर ऐसा है ना जिसको इनमें से कुछ भी नहीं लग रहा है वो नीचे कमेंट करे कि हाँ मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें भी पता चल जाए कि, कि किसके साथ नहीं हो रहा है तो नीचे आप कमेंट करिए बाकी लोग भी देख लेंगे जो लोग डर रहे हैं वो लोग भी देख लेंगे कि वो अकेले नहीं है यहाँ ऐसे सबके साथ ऐसा हो रहा है तो आप जो है डरिए मत एकदम मस्त तरीके से देख एग्ज़ाम देखे जाइए और ये कंप्लीट कोर्स है टेस्ट सीरीज़ है करंट अफेयर अगर किसी को करंट अफेयर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आ, इसको ले सकता है या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो टेस्ट सीरीज़ ले लो और वो सब्जेक्ट जो है इस टेस्ट सीरीज़ से कंप्लीट कर लो तो इस तरह से आप जो है अपना एग्ज़ाम जो है दे सकते हो और ये जो डिटेल्स हैं वहाँ यहाँ आप मैसेज कर सकते हो और जो मार्ग बूस्टर टॉपिक्स हैं उसको आप इमेजेस को टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो और यूट्यूब से पे तो आप ये देख ही रहे हो तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट